बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आज दरभंगा पहुंचे, जहां सबसे पहले जिला स्तर प्रखंड के गौसा घाट पहुंचकर लगभग 2.5 करोड़ के राशि से बनने वाले कमला नदी पर घाट का शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने शहर के निचले इलाकों में बाढ़ से बचाव को लेकर शुभंकरपुर मोहल्ले में अलग अलग 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने बिहार सरकार के किए बाढ़ से बचाव को लेकर अपना पक्ष रखा। वहीं मंत्री मदन सहनी ने कहा कि 2004 में पूरा शहर बाढ़ आने से परेशानी झेला था, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बना, खासकर जल संसाधन मंत्री संजय झा बने, बाढ़ को लेकर तटबंध को मजबूत किया गया और अब लोगों को बाढ़ का खतरा कम रहता है। कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे गंडक हो, सब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से आता है, नेपाल से आता है, जहां हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। भारत सरकार को, क्योंकि दो कंट्री की जब बात होगी, दो देश की जब बात होती है, तो स्टेट का रोल नहीं होता। वहां भारत सरकार को बात करके वहां समस्या को ठीक करना होता है। समस्या है अंतर्राष्ट्रीय, झेल रहा है बिहार, हजारों करोड़ बिहार का हर एक साल लॉस होता है। आपदा में जब अनाज दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, रोड टूट जाता है, बांध में काम करना पड़ता है, वो फैक्ट्री लगाने में काम आता, बड़ा इंस्टीट्यूट लगाने में काम आता। आप हिसाब जोड़िएगा, मैंने हिसाब मंगवाया कि हर एक साल कितना हजार करोड़ खर्चा होता है बाढ़ को लेकर। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिएगा, जितना पैसा खर्चा होता है, तो कम से कम 10 फैक्ट्री लग गया रहता है, जितना पैसा खर्चा होता है। ये सब झेलना पड़ता है मिथिला एरिया को। हम लोग कभी अपनी बात को मजबूती से नहीं रखते हैं, ये भी समस्या हम लोगों की है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलता है इसमें। ये सारा पानी आता है नेपाल से, लेकिन वहां पर हाईडैम बन जाए, कंट्रोल पानी आए। अभी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, इतना बोल के मैं खत्म कर दूंगा। हम लोग भी जाकर के जल संसाधन विभाग से अपना पक्ष रखे थे, और चीफ जस्टिस साहब ने, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि भाई पूरा एरिया का 8 करोड़ लोग जो बाढ़ में हर एक साल डूबता है, उसका निदान निकालना चाहिए। ये मत इधर उधर देखिए कि आपका काम है कि मेरा काम है। अब फिर 13 तारीख को लगा हुआ है कोर्ट, तो हम लोग तो चाहते हैं निदान हो जाएगा तो बिहार सरकार का हजारों करोड़ रुपया बचेगा, जो अन्य काम में काम आएगा। तो हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं कि इसका परमानेंट निदान हो, लेकिन परमानेंट निदान नहीं तब तक होता है तब तक भी बाढ़ का प्रकोप नहीं रहेगा। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर। ग्रुप डिपार्चर 5 से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,30,000 रूपए 20 दिन। स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,60,000 रूपए 35 दिनों के लिए। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, होटल, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, ज़ियारत, जमसम, लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पासपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड। एड्रेस बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 8460004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586।